राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण आ रहा है। ये सूर्य ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं पड़ेगा, पर क्या आपको ऐसे लगता है कि दिखाई नहीं देगा तो इसका असर भी नहीं होगा, है ना दोस्तों? हाँ, ये जरूर है कि ये दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक नहीं लगेगा। जो 12 घंटे पहले से परहेज और सब कुछ स्टार्ट हो जाता वो नहीं होगा। बट यू नो द मून इज गोइंग टू कम बिटवीन सन एंड अर्थ एंड दैट इज अ जियोग्राफिकल इवेंट एंड दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर फुल अर्थ, पूरे के पूरे अर्थ के लिए होगा। दिखाई नहीं देना दैट इज अनदर थिंग, पर उसका असर पूरे की पूरी अर्थ पर होने वाला है। तो इसलिए ये हम लोगों की लाइफ पर भी असर करने वाला है। ये जो सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो रहा है ये 7:04 पे स्टार्ट हो जाएगा और 12:29 यानी कि 12:30 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। तो इस दौरान में एक तो प्रेग्नेंट लेडीज पूरा ध्यान रखिएगा कि अपना भी ध्यान रखिएगा और अपने बच्चे का ध्यान भी रखिएगा, जैसे कि आप रखते हैं हमेशा जब आपको सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है, तो बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए सूर्य ग्रहण ये जो आ रहा है ये थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर रहा है, पर हमको ईश्वर ने दिमाग दिया है ना, ब्रेन दिया है ना, तो उन स्थितियों से उभर के हम बाहर निकल सकते हैं। हम हमेशा पूरी तरह से किस्मत के भरोसे तो नहीं रहते हैं ना, तो उन स्थितियों से बाहर निकलना हमें आता है, हम जानते हैं। जब भी कभी ग्रहण होता है तो उसका सबसे अच्छा यही उपाय होता है, एक तो दान कीजिए, जो भी आप देना चाहें वो दान कीजिए। आप ग्रहण के दौरान यदि बाहर नहीं निकल सकते हैं तो अपने ही घर में एक स्थान पर कोई चीज़ निकाल के रख दीजिए कि आपको ये दान में देना है। और दूसरा, इन द ड्यूरेशन, जितना टाइम ग्रहण चल रहा है इस ड्यूरेशन में आप कोशिश कीजिए दोस्तों भगवान का नाम लें। कभी कभी ऐसा होता है हम नहीं ले पाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, काम करना है, तो इन दैट केस आप अपने मोबाइल पर भजन लगा लीजिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। तो इन सब चीज़ों का करने से क्या होता है, ये सचमुच में असर करती हैं। प्रेयर्स, प्रार्थनाएं असर करती हैं दोस्तों, तो सूर्य ग्रहण पर भी आपकी प्रेयर्स, आपकी प्रार्थनाएं असर करेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। और जो राशियों के नाम मैं बताने जा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग टेंशन में मत आइएगा। पहले मैं ये बता दूँ कि उनको किस प्रकार की चिंताएं हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये है कि मेंटल टेंशन हो जाएगा बिना बात के, आजकल तो वैसे ही टेंशन के कई बहाने होते हैं, तो मेंटल टेंशन हो सकता है। और फैमिली रिलेशंस में भी प्रॉब्लम आएगी, खासकर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा गुस्सा बेहिसाब आ सकता है, खर्चा बढ़ सकता है। अपने पेरेंट्स की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, आपको अपने पेरेंट्स की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। बिजनेसमैन को घाटा लग सकता है, बिजनेसमैन उनको घाटा लग सकता है, और आपको अपने वर्क प्लेस पर टेंशन हो सकती है, या आप जो काम करने जा रहे थे उसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आएगी, आपको फाइनेंसेस की प्रॉब्लम भी आ सकती है। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, इस सूर्य ग्रहण के दौरान आप इन्वेस्टमेंट हरगिज मत कीजिएगा, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं उन राशियों के नाम बता रही हूँ जिनके के लिए सूर्य ग्रहण थोड़ी चिंता पैदा करेगा, बट जिनको सूर्य ग्रहण स्ट्रांग बनाएगा, क्योंकि इंसान के सामने जब दिक्कत आती है तभी तो वो मजबूत बनता है, तो सूर्य ग्रहण इनको स्ट्रांग बनाने वाला है। ये राशियाँ हैं मेष, वृषभ, कन्या और तुला राशि। तो इन सब राशि के लोग हिम्मत रखिए, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा,
हमेशा भगवान उन लोगों का साथ जरूर देते हैं जो हिम्मत वाले होते हैं. विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स. सी यू सून. बाय.